अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे आप तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफिस से होंगे। बेसिकली यहाँ पे मेरे एक भाई हैं जिनका माशाल्लाह कंपोजिंग का काम है। ये बड़ी लोगों की हेल्प करते हैं, मेरी भी हेल्प करते हैं। ये वो बंदा है जिसने मुझे स्टेनोग्राफी के अंदर ठोक दिया था। ये काम कर लो सुहेब, ये बहुत अच्छा है। मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन स्टेनोग्राफी की, साथ बीएड भी किया। अब स्टेनोग्राफी क्यों की थी कि ये एक बड़ी सीक्रेट लैंग्वेज है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। आप में से कोई बंदा करना चाहता है स्टेनोग्राफी बेस्ट, मुझे स्टेनोग्राफी देने वाले जो मशवरा देने वाले ये पर्सनैलिटी बैठी हैं, ये लोगों को और भी बड़े अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं, क्योंकि इनका काम है ये पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे, सेमी गवर्नमेंट लेवल पे जो भी जॉब्स आते हैं उनको उनका लेट प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा किसी की शादी हो तो उसके लिए विजिटिंग कार्ड कंपोजिंग करते हैं, कंपोजिंग से रेलिवेंट कार्ड हर काम करते हैं। स्मार्ट इन्फो इरफान के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, मेरा है स्मार्ट कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी और इनका है स्मार्ट इन्फो इरफान। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हम सेम स्कूल ऑफ थॉट के बंदे हैं, मेरा इनके साथ दिमाग बहुत मिलता है, इसलिए चैनल भी हमारा मिलते जुलते नाम का बना लिया हमने। अब मैंने इनसे कहा यार ये मसला भरा, ये कुछ पहले ये भी एक गवर्नमेंट लेवल पे अपने बाबलियाना सड़क के ऊपर इन्होंने क्या लेटर लिखा था जो इन्होंने गवर्नमेंट लेवल को दिया था और अपना मामला सॉल्व करवाया था। मैंने कहा था यार ये गलियों के अंदर काफ़ी पानी शानी सीवरेज का खड़ा होता है, गंदा नाली का, लोग बीमार हो रहे हैं, कोविड से ज़्यादा जो जरासीम है इनके अंदर बच्चों को मिल रहे हैं तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो कहते हैं शुएब भाई मसला बना गया है, ये गवर्नमेंट का मसला भी नहीं है, ये हमारा मसला है कि गंदगी जब तक हम गंदे शापर कूड़ा क्रिकेट ये नालियों में फेंकेंगे तो ये सीवरेज का प्रॉब्लम तो बनेगी। सबसे पहले हमने अपना माहौल साफ़ करना है, उसको बेहतर बनाना है। तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे इरफान भाई? हंसना नहीं है, आप बताएं कि कैसे तो हमारा माहौल जो मुझे तकरीर की है आपने अभी वो थोड़ी सी आप इधर बोलें बोलें बोलें, जितनी सी बात आपने मेरे से की है इतनी प्यारी वो इधर कर दें। अब वो थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा शुएब भाई ये अपलोड ना कर दी तेरी मेहरबानी, ये अपलोड अब होगी, आपकी शर्मिंदगी हम ख़त्म कर देंगे दुनिया के सामने। चले खैर, इन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि हमें जो है गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। होता है क्या है कि मैंने कुरा क्रिकेट फेंक के ना किसी के घर के आगे फेंक देना, उसने किसी के घर के आगे फेंक देना। अच्छा चले, मैंने इधर रख दी। अब इरफान भाई आपसे बात करते हैं, नहीं आप करें 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 स्टार्ट करें। देखें सही भाई, सबसे बड़ी बात है कि हम मुसलमान हैं और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सफाई निसफ ईमान है। जब तक हम खुद इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो चाहे गवर्नमेंट जितना मर्जी इधर अमला तैनात कर दे, रेगुलर बेसिस पे सफाई हो, ये कंट्रोल नहीं होगी। हमारी आदत है, हम केला खा रहे हैं छिलका हम यूँ फेंक देते हैं, कोई चीज़ हम शॉपर में लेके खा रहे हैं शॉपर में यूँ फेंक देते हैं। घर में औरतें होती हैं, उनका क्या काम है, वो शॉपर से चीज़ निकालते हैं तो उसको यूँ पानी में नाली में बहा देते हैं। ये देखिए।